अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट खो जाए या चोरी हो जाए, उस सूरत में नया पासपोर्ट कैसे बनता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसकी क्या फीस है, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, और क्या न्यू पासपोर्ट बनाने के लिए आपको किसी एजेंट के पास जाने की नीड है या नहीं है, या आप खुद फिजिकली जाके बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते हैं, ये सारी की सारी मालूमात अभी आपको अपने वीडियो में दूंगा। तो आइए, बेसिकली अगर आप यूएई में आए हुए हैं, आप विजिट वीजा पे हैं, आप फ्रीलांस वीजा पे हैं, आप वर्क वीजा पे हैं, आप गोल्डन वीजा पे हैं, आप पार्टनर वीजा पे हैं, आप बिजनेस वीजा पे हैं, या आप किसी भी वीजा पे यहाँ यूएई के अंदर आए हुए हैं और आपका पासपोर्ट हो जाता है, या रूम से चोरी हो जाता है, या बाहर से कहीं से चोरी हो जाता है, और अब आपको समझ में नहीं आ रही कि भाई मैं किसके पास जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, तो देखें उस सूरत में क्या है कि अगर आपका पासपोर्ट एक तो आप कहीं गए, आप अपना पासपोर्ट वहां रख के भूल गए, ठीक है, तो चांस है कि आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका पासपोर्ट चोरी हो गया, ठीक है, आप रूम में थे, बेड स्पेस में रहते हैं और बहुत सारे लोग हैं, वहां आपका पासपोर्ट चोरी हो गया, या बाहर किसी ने आपसे चोरी कर लिया आके, ठीक है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने अपने करीबी, कोई भी आपके करीब में कोई टाइपिंग सेंटर वाला बैठा हुआ हो, या अमीर का ऑफिस हो, ठीक है, टाइपिंग सेंटर वाला बैठा हो या अमीर का ऑफिस हो, उनके पास जाइए, उनको कहिए कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा पाकिस्तान का पासपोर्ट खो गया है, मुझे नया पासपोर्ट बनवाना है, उसके लिए मुझे पाकिस्तान कॉन्सुलेट जाना होगा, तो उसकी सूरत में मुझे एक FIR लिख दें। अच्छा, यहाँ क्या होता है कि जब आपको FIR लिखवानी होती है तो आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन नहीं जाते, ये सिर्फ पासपोर्ट के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ना कहे आपका फोन चोरी हो जाए, या अल्लाह ना कहे कोई बहुत बड़ा वाकया पेश आ जाए, तो उस सूरत के अंदर तो आपने पुलिस स्टेशन ही जाना है। लेकिन आपका आपका पासपोर्ट खो गया है, चोरी हो गया, या आपकी ID खो गई है, तो उस सूरत में आपने सबसे पहले टाइपिंग सेंटर वालों के पास जाना है, वो ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करेंगे जिसके अंदर आपकी हर चीज लिखी जाएगी, आपका पासपोर्ट नंबर, आप कहाँ के हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, सब लिखा जाएगा, फॉर्म फिल करके वो देंगे, जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसकी स्लिप आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। उसकी कोई फीस होती है जो टाइपिंग सेंटर आपसे लेगा, 120 दिरहम लेगा या 200 दिरहम लेगा, सॉरी 200 दिरहम लेगा या 120 दिरहम आपसे वो फीस उसकी लेगा, उसके बाद आपको वो फॉर्म दे देगा। अगर वो फॉर्म आपने ले लिया, मतलब कि वो पुलिस की FIR हो गई आपके पास, ठीक है, अब आप जाइए पाकिस्तान की कौंसलेट, ठीक है, जो बुर्जुमन पे बनी हुई है, दुबई बुर्जुमन पे बनी हुई है, आप वहां जाके पूछ सकते हैं कि भाई पाकिस्तान की कौंसलेट किधर है, बुर्जुमन एग्जिट नंबर 2 पे, मतलब बुर्जुमन मेट्रो स्टेशन एग्जिट नंबर 2 पे आप वहां जाइए, पूछिए कि भाई पाकिस्तान की कौंसलेट किधर है, आपको बता देंगे। कौंसलेट जाइए, कौंसलेट जाने के बाद वहां अपना, अगर आपके पास पासपोर्ट की कोई कॉपी है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ वेल एंड गुड, कॉपी साथ में लेके जाइएगा, अपना नेशनल आईडी कार्ड, मतलब के शनाख्ती कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड मतलब के शनाख्ती कार्ड, ठीक है, समझ में आ गया, ये लेके जाइएगा। अगर आप यहाँ विजिट वीजा पे हैं तो उस विजिट वीजा की कॉपी, आप अगर यहाँ फ्रीलांस वीजा पे हैं, मतलब कि आपकी यहाँ की आईडी है, एमिरेट्स आईडी आपकी यहाँ की है, तो उसकी कॉपी और वो असल, दोनों लेके जाइएगा, कॉपी फ्रंट बैक दोनों एक ही पेज पे फ्रंट और बैक, और जो आपका नेशनल आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, उसका भी फ्रंट बैक दोनों एक ही पेज पे लेके जाइएगा, और पासपोर्ट की कॉपी है, अच्छी बात है, वो भी लेके जाइएगा, और जो FIR की जो स्लिप होगी आपके पास वो भी लेके जाइएगा। अच्छा, चले गया भाई, सब आपके फॉर्म आगे, आपने वहाँ फॉर्म फिल कर दिया, आपने वहाँ टोकन ले लिया, टोकन लेके आपने सब कुछ कर लिया, अब टोकन ले लिया, लाइन में खड़े हो गए, अब क्या फीस है, जो अर्जेंट, जो नॉर्मल फीस है, नॉर्मल मतलब जिसमें आपको पासपोर्ट एक महीने में या दो महीने में मिलेगा, उसकी फीस है 220 दिरहम, 220 दिरहम उसकी फीस है नॉर्मल की, मतलब नॉर्मल में आपको दो महीने में या एक महीने के अंदर मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको अर्जेंट मिल जाए तो उसकी है 365 दिरहम, ये उसकी टोटल फीस है, जिसके अंदर अर्जेंट के अंदर भी आपको मिलना होगा तो भी आपको मिलेगा, 10 से 15 दिन के अंदर मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता, वो आपकी किस्मत है कि आपको पहले वो मिल जाए, उससे पहले नहीं मिलता, क्योंकि पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान से आता है, रिन्यू होके, वो यहाँ से नहीं बनता, यहाँ से आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है, उसके बाद कोरियर सर्विस के थ्रू पाकिस्तान भेजा जाता है, पाकिस्तान से रिन्यू होके ही आते हैं वापस, तो उस सूरत के अंदर टाइम लगता है, ठीक है। ये इसकी फीस थी, मैंने आपको फीस बता दी, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, पाकिस्तान कॉन्सुलेट का मैंने आपको एड्रेस दे दिया, ठीक है, ये सब चीजें करनी है। आपका पासपोर्ट अल्लाह ना कहे चोरी हो गया, खो गया, तो उस सूरत के अंदर आपने अपनी टाइपिंग सेंटर वाले के पास जाना। अच्छा, अरे एक और बात मैं आपको बता दूं, वो ये कि अगर आपका पासपोर्ट कंपनी में है, कंपनी नहीं दे रही, उस सूरत में आप कहते हो कि नहीं मैं झूठ बोल दूं कि पासपोर्ट चोरी हो गया मेरा और मैं जो हूँ अपना नया पासपोर्ट बनवा लूं, देखो इस सूरत में क्या है कि आप फंस सकते हो, ठीक है, ये बहुत बड़ी एक
क्या बोल मतलब इसमें आप फंस जाओगे अगर आपने ऐसा बोला, क्योंकि आपके पास जो एमवेट्स आईडी होगी उसके ऊपर कंपनी का नाम होगा। कॉन्सुलेट वाले कंपनी को कॉल कर सकते हैं कि भाई आपके आपके पास इस बंदे का पासपोर्ट तो नहीं है। अगर उस कंपनी ने बोल दिया कि हाँ भाई हमारे पास इसका पासपोर्ट है, तो ये आपके ऊपर केस हो जाएगा कि भाई बंदे ने झूठ क्यों बोला, झूठी एफआईआर क्यों कटवाई। ठीक है, यहाँ पुलिस की झूठी एफआईआर अगर कट गई तो उसके ऊपर आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। ठीक है, तो वो हजरात जिनके पासपोर्ट कंपनी के अंदर पड़े हुए हैं, तो वो हजरात ऐसी गलती ना करें। वो हजरात जो है अपनी कंपनी से रुजू करें, कंपनी आपको पासपोर्ट दे देगी। कोई गलती आपसे हो गई है, कोई अगर नोक चोक कोई फाइट हो गई, तो भाई सॉरी बोल के साइड में हो जाओ, अपना पासपोर्ट ले लो, वो आपके लिए बेहतर है बनिस्बत कि आप झूठ बोलो ये पासपोर्ट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मुझे नया पासपोर्ट चाहिए। ये गलती हो जाएगी सबसे बड़ी। पासपोर्ट बन के भी आपका आ गया, उसके बाद भी गलती होगी, क्योंकि आपके पास जो आईडी है ना, आईडी जब वो आईडी खत्म होगी, उसको कैंसिलेशन करने पे जाओगे तो पासपोर्ट की नीड होगी। पासपोर्ट अब वो किस पासपोर्ट पे लगा होगा जो पहले वाला है पासपोर्ट, उसका नंबर चेंज होगा। नंबर क्या, एंड का नंबर चेंज होता है। जो न्यू पासपोर्ट बन के आता है उसका एंड का नंबर चेंज होता है। जैसे जो पहले आपका पासपोर्ट है उसका नंबर एंड में लिखा हुआ है 1, जो सेकंड बन के आएगा उसका होगा सेकंड। समझिए बात को, ऐसे नंबर चेंजिंग आ रहे होते हैं। तो गाइस नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल नहीं करना, मैसेज कर सकते हो किसी भी बात पे, बात रहेगी जो मैंने आपको नहीं बताई। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने